हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS एकेडमी। तो आई होप आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स मिले हुए हैं आपने वो सारे देख लिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि NCERT से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री को हम लोग एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे, देन फर्दर हम लोग मेडिवल एंड देन आपका मॉडर्न, और इसके साथ ही अगर आपका कोई कल्चर का पोर्शन होगा तो हम लोग वो भी कवर करेंगे। अब हिस्ट्री में आप देखोगे कि बहुत सारे जो UPSC के क्वेश्चंस हैं वो आपको ओल्ड NCERTs से मिलते हैं, तो आपको ओल्ड NCERTs भी कवर करनी पड़ती है। और हमारे जो अभी क्वेश्चंस होंगे, जो हमारी सीरीज़ है NCERT थ्रू MCQs में, उसमें हम लोग आपको ओल्ड NCERTs के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो अभी जैसे आज का ये लेक्चर आपके सारे लाइव होते हैं और अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नाहिद जी जो ये देख रहे हैं वीडियो, उसके बाद सुमित वर्मा जी भी आ गए हैं। तो आई होप जल्दी से सारे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग अपना ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सबको हमारे क्वेश्चंस जो भी रहेंगे स्क्रीन पे, आपको उन सब क्वेश्चंस का आंसर करना है। बिट्टू कुमार, प्रशांत मीना जो है अभी लाइव है, और आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन सही होता है देन गुड, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो आपके लिए वो बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज़ है और फर्दर जब आप फाइनल एग्ज़ाम दोगे तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने अगर आज आपका गलत होता है कोई आंसर, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो और फिर आपको UPSC जब आप मेन एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर आपको एकदम से वो स्ट्राइक करता है उसका जो सही आंसर है। तो अभी जैसे हमारे पास बहुत सारे लाइव आ चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नीरज चौहान है, संगीता है, और बहुत सारे जो अभी हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सीरीज़। ओके, तो आप देखिए कि हमारा जो आज का सिलेबस रहेगा ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, हमने आज वो क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं। आपको यहाँ से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन आपका जो लेवल है वो हम लोग UPSC तक जो है रेज करेंगे, क्योंकि आपको मेनली जो है वो UPSC के लिए कवर करना है। तो आप देखिए कि जो हमारे इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री राइटिंग एंड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चैप्टर्स जो है वो आपको ओल्ड NCERT माखनलाल जो है उसमें से मिलेंगे, और सेकंड ओल्ड NCERT RS शर्मा, उनके चैप्टर्स जो है वहाँ से हमने आज आपके क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन। तो जो आपकी बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया, ये इसका ऑथर कौन था, किस हिस्टोरियन ने इसको लिखा है? तो आपके ऑप्शंस हैं RS शर्मा, जो आपने देखा होगा कि हिस्टोरियन है, इवन हम लोगों ने अभी जस्ट नाम लिया है, जो हमारे NCERTs भी जिन्होंने हमें प्रोवाइड की है। देन आते हैं आपके मैक्स वेबर, मैक्स वेबर जो है वो एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, और उसके बाद वो एक फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे। देन आपका आता है AL मार्शम, वो भी एक हिस्टोरियन थे, और इवन जो हमारे जो स्कॉलर है, रिनोन्ड स्कॉलर है, जैसे रोमिला थापर है, RS शर्मा है, वो इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। और लास्ट आपका ऑप्शन है हीरोडोटस, जो फादर ऑफ हिस्ट्री भी जिनको बोला जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, जैसे ये तलविंदर जी ने आंसर किया हुआ है सी, ओके, AL मार्शम, और बहुत सारे जो हैं जैसे छाया है, प्रतिका है, उन्होंने सब ने सी ही आंसर किया हुआ है। रमेश कुमार जिन्होंने डी बोला है, और बाकी सब ने सी बोला हुआ है। तो ओके, जो सबका आंसर सी ही आ रहा है, और आई होप कि सब ने NCERTs अच्छे से पढ़ी हैं। मैंने पहले भी कहा, आंसर सही हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है कि आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा कवर हो जाएगा। राघव कुमार डी, ओके, चलो अब हम आंसर देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है सी, सी कौन था, AL मार्शम। तो जो एक्सप्लेनेशन, जैसे हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री जो है
हमें एक आइडेंटिटी देती है एक नेशन को, क्योंकि आपको हिस्ट्री पढ़ के ही पता चलता है कि पीछे पास्ट में हमारा कल्चर कैसा था। तो इसी बेसिस पे जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे एल वाशम, उन्होंने ये बुक लिखी थी द वंडर दैट वाज इंडिया। अब हमने आपको बोला था कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से रहेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी से ही मिला है, क्योंकि इसका सोर्स जो है मैंने पहले ही बोला ओल्ड एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो माखनलाल जिसका फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 3, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कि एल वाशम जो है उन्होंने ये बुक लिखी हुई है, ये रहा, ये आपके पास इसका सोर्स है। तो नेक्स्ट हम लोग, ओके, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने रैंडमली कहीं से क्वेश्चन उठाए हैं, ये सिर्फ जो आपके इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उन्हीं में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अशोकास 13th लॉक एडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंसिस्टेड टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। अब आपका ये क्वेश्चन है कि जो अशोका का जो 13th लॉक एडिक्ट था उसमें कौन से मेजर्स दिए गए हैं जिन्होंने पीस और हार्मनी को मेंटेन करने पे इंसिस्ट किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है प्रमोशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन एज देयर कॉमन ग्राउंड आर रूट। तो इसमें ये है कि सारे रिलीजन्स का जो एक कॉमन ग्राउंड है उसको प्रमोट करना। देन आपका सेकेंड जो आता है कल्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन बाय द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब आपको ये बताना है कि दूसरे रिलीजन्स का जो क्रिटिसिज्म है वो उसको नहीं करना है, और आपको जो एक सेंस ऑफ यूनिटी जो है वो प्रमोट करनी है। देन आपका थर्ड जो ऑप्शन है कमिंग टुगेदर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन रिलीजियस असेंबलीज। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि रिलीजियस असेंबलीज जो है उनमें जो डिफरेंट रिलीजन्स के जो एक्सपोनेंट हैं वो एक गैदरिंग में आएंगे। देन फोर्थ आपका है लर्निंग द टेक्स्ट ऑफ अदर रिलीजन सो एज टू बिकम बहुश्रुता आर प्रोफिशिएंट इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। आपको दूसरे रिलीजन्स के टेक्स्ट को पढ़ना ताकि आप उसके दूसरे जो रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी एक्सपर्ट हो। तो आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, देन 2 and 3 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 3 and 4 ओनली, एंड डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। अब आपको ये बताना है कि अशोकन का जो 13th लॉग एडिक्ट है उसमें कौन कौन से मेजर्स दिए गए हैं। तो देखते हैं आपके आंसर्स क्या हैं। ओके, आरती जैन जिन्होंने आंसर किया है बी, देन छाया अगेन उनका, छाया का पहले भी आया है, ओके गुड, और बी, देन सबका बी ही आ रहा है, बी मीन्स 2 and 3 ऑप्शन। ओके ओके नेक्स्ट, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। प्रियंका जिन्होंने बी आंसर किया हुआ है। ओके नेक्स्ट जो हमारा जो आंसर हम लोग देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो है वो है डी। तो अभी जिन्होंने भी जिनको मैंने पहले ही, ओके ये वृद्ध दास हैं जिन्होंने डी आंसर किया हुआ है, राघव कुमार, तो डी आंसर अब जिनका गलत हुआ है उनको यहाँ से प्रॉपर समझ आ जाएगा कि क्यों उनका आंसर गलत हुआ है। डोंट वरी प्रियंका, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इवन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। देन ये आप देख रहे हो कि जो लॉक एडिक्ट है आपका 13th लॉक एडिक्ट अशोका का, उसमें ही ये चारों ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, प्रमोशन ऑफ बट कॉन्स्टिट्यूट्स, देन आपका कल्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स जो मैंने आपको भी बताया, देन आपका कमिंग टुगेदर ये भी था आपके ऑप्शंस में, और लास्ट लर्निंग द टेक्स्ट। और ये क्वेश्चन जो इसका जो सोर्स आपको रहेगा वो है माखनलाल का ही पेज नंबर 3, और ये सारे के सारे आपके रहे, ये रहा ये पूरा आपका आंसर। देन अब हम लोग करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके हमारे पास अभी और भी लोग हमारे पास आ रहे हैं जिनका चैट, और ओके तो नेक्स्ट जो आपको आपका क्वेश्चन है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड।
आपको मैच द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन विद देयर रिस्पेक्टिव किंग्स, जो भी इंस्क्रिप्शंस आपको एक तरफ दी हुई हैं और दूसरी तरफ आपको जो है एसोसिएटेड किंग्स जो है उनके साथ आपको इनको मैच करना है। तो आपकी जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है वो है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, देन आपके पास ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है, थर्ड इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, लास्ट एहोल इंस्क्रिप्शन। अब आपको इनमें से मैच करके बताना है कि कौन सी जो इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रमन से रिलेटेड है, देन किंग भोज है, पुलकेशिन है, समुद्रगुप्त। आपको ये पता होगा कि जो भी हमारे पास्ट में जितने भी रूलर रहे हैं, किंग्स रहे हैं, वो अपने जो नरेटिव्स हैं या फिर अपने डायरीज जो हैं वो कई बार इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों को प्रोवाइड करते थे। तो आपको ये बताना है कि कौन से इंस्क्रिप्शन किस किंग से एसोसिएटेड है। ओके, तो आपको मैच करके आंसर बताना है और देखते हैं आपके आंसर्स क्या क्या हैं। ओके, आरती जैन, तजिंदर, धनसल, राजगुप्ता, मिशा, सब आंसर जो है सी और डी पे ही ज़्यादा सबका फोकस है। ओके, और सबका आंसर कृष्ण कुमार यादव, जिनका आंसर सी है। ओके, सत्यम विश्वकर्मा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, सी। तो जिन्होंने भी सी आंसर किया है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं किया है तो देख लो एक बार कि इसका क्या आंसर होगा। जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है गुजरात में है, और ये जो है चेष्ट संस्कृत में है। चेष्ट संस्कृत मीन प्योर संस्कृत में, जिसमें जैसे अभी कुछ जो है एमलगेशन हो जाता है दो लैंग्वेज का, तो ऐसा नहीं है। संस्कृत प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को, और ये रुद्रमन से रिलेटेड है। देन आपका आता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो समुद्रगुप्त से, गुप्ता डायनेस्टी। फिर उसके बाद आपका आता है चालुक्य इंस्क्रिप्शन। तो अब देख रहे हो यहाँ पे सारे जो इंस्क्रिप्शन है उसमें किसी की क्रोनोलॉजी दी हुई है, अचीवमेंट्स दी हुई है, डिग्रीज दी हुई है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से इंस्क्रिप्शन किस किंग से रिलेटेड है। देन लास्ट आपका आता है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, जो किंग भोज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप सबको पता चल गया होगा इसका आंसर। और इसका जो सोर्स है वो भी माखनलाल, और पेज नंबर 22 चैप्टर 3। और आपको जैसे यहाँ पे आप देखो, ये रहा आपका जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है रुद्रमन से रिलेटेड, देन आपका ये आ गया इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, उसके बाद आपके इसी तरह से ये जो नीचे आपका आ गया चालुक्य किंग। मतलब आपको जितने भी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एनसीईआरटी से ही दिए हुए हैं, और हम आपको ये सोर्स भी दे रहे हैं। जो मेन हमारा टारगेट है एनसीईआरटी को कवर करने का, और सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। देन अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी इंस्क्रिप्शंस हैं, ये मैंने स्पेशली उनके लिए कि याद रहे आपको। तो ये इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, उसके बाद आपकी एहोल इंस्क्रिप्शन जो आपने पढ़ा है चालुक्य किंग की थी, देन ग्वालियर किंग भोज की इंस्क्रिप्शन। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ओके, अब आपको बताना है कि जो मॉडर्न डायनेस्टी थी उनमें एक एम्बेसडर आए थे मेगस्थनीस। अब आपको इतना तो मैंने आई थिंक बता ही दिया है कि मॉडर्न डायनेस्टीज से थे, तो आपके लिए और भी आसान हो गया। अब आपको बस ये बताना है कि वो कौन से मॉडर्न किंग के कोर्ट में आए थे, ठीक है। ओके, चलो आपके आंसर्स हम लोग देखते हैं। देखो गलती से मुझसे ही आंसर जो है मैंने आपको दे ही दिया है, तो दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे गलत हो जाते हैं अगर उनको पता है कि मॉडर्न डायनेस्टी के किंग कौन थे। तो ओके, आपके जो आंसर्स आ रहे हैं, ओके, यहाँ पे आई थिंक अभी आंसर्स आया नहीं है किसी का। देखो मेगस्थनीस जो है वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे, और वो मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। उन्होंने बुक भी लिखी थी इंडिका, जिसमें उन्होंने इंडिया की जो भी उस वक्त सोसाइटी थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। और आपको जो आंसर्स ये देखिए ये दे रहे हैं आंसर, राजगुप्ता, तलविंदर जी, सत्यम, सबका आंसर बी है।
तो सब आंसर कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको देखना है पहले तो क्वेश्चंस में कि मौर्यन कौन थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस में ही बोल दिया कि मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। तो मौर्यन कौन से हैं और मौर्यन डायनेस्टी के कौन से रूलर के टाइम पे आए हैं। ओके, प्रियंका विश्वकर्मा ने बोला है कि उन्होंने इंडिका, बिल्कुल जिसे अभी मैंने बताया कि इंडिका। ओके, सौरव और फ्यूरियस हॉक जिनका आंसर भी बी आ रहा है, तो देख लेते हैं आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो है बी। ठीक है, तो आप सबको पता चल ही गया होगा बी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ये बोल रहे हैं सेलुकस निकेटर का राजदूत अम्बेसडर, बिल्कुल सही बात है। तो ये देखिए, आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि अम्बेसडर जो है वो पाटलिपुत्र में आए थे ग्रीक किंग के पास, और उनमें से एक थे मेगस्थनीज, और वो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, और उन्होंने इंडिका बुक आपकी लिखी हुई है जिससे हमें मौर्य डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो अब हम लोग इसका सोर्स जो है वो भी आपके जो ओल्ड एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं, जैसे माखनलाल की बुक है चैप्टर सेकंड पे पेज नंबर 6, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, और ये आपको मिल जाएगा, ये इसका जो यहाँ पे आपको सोर्स मिल जाएगा, ये देखिए, ये रहा मेगस्थनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आई होप सबको पता चल ही गया है आंसर, और ये भी पता चल गया है कि क्या कौन सी बुक के ऑथर थे वो और उस बुक में क्या था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अब फिर से अभी जैसे हमने एक क्वेश्चन किया इंस्क्रिप्शंस को उनके एसोसिएटेड किंग से मैच किया है, और अभी जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हम लोग जो है जितने भी पोइट्स थे, एंशिएंट पोइट्स थे, उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब अपने टाइम पीरियड में जो भी रूलर थे उनके बारे में कुछ प्लेज लिखे हैं, कुछ पोइट्री लिखी है। तो अब आपको बताना है कि जी जो भी ये सारे प्लेज दिए हुए हैं वो किस पोइट ने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला प्ले है मुद्राक्ष, ये आपको बताना है कि कालिदास ने लिखा है, बाणभट्ट ने लिखा है, बागपति है, या फिर विषाक्त है। उसी तरह से मालविका अग्निमित्रम है, हर्षचरित्र है, रघुवराभव है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा प्ले किस पोइट ने लिखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे ये सारे जो पोइट्स हैं ये हमारे जो एंशिएंट किंग थे उनके टाइम पे लिखे गए हैं, और हर जो पॉइंट था उन्होंने किसी ना किसी जो भी रूलर होता था उसके टाइम पे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर उनकी तारीफ में इवन कुछ लिखा हुआ है। तो वो सारे आपको ये सारे पॉइंट्स जो है उनके प्लेस के साथ आपको मैच करना है। ओके, तो फ्यूरियस जी का कहना है कि मुद्राक्ष जो है वो विषाक्त ने लिखी हुई है। ओके, सुभा रेड्डी जिनका आंसर है बी। ओके, देन छाया मिशा जो आंसर कर रहे हैं, देखते हैं कि किस किस का आंसर जो लिख आपका क्या आंसर रहता है। ठीक है, सबको आंसर करना है, क्योंकि अगर सब आंसर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। मालविका अग्निमित्रम फ्यूरिस ने कहा है, कालिदास है। ओके, देखते हैं और कोई आंसर। ठीक है, आपको ये सारे जो प्लेज हैं उनको पॉइंट्स के साथ मैच करना है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, विशाल कुमार जिनका आंसर है बी, कृष्ण कुमार यादव बी इज राइट आंसर। ओके, देखते हैं हम लोग सबका देखते हैं। ओके, तो हमारा जो आंसर है अब वो देखिए बी आंसर। आई होप सब ने बी ही आंसर किया हुआ है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी आंसर हमारे पास आए हैं सबने बी आंसर किया हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है कि सबको इसका आंसर पता था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप करते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, एनसीईआरटी प्रॉपर कवर होगी। ओके, हर्षचरित्र बाणभट्ट, चलो देखते हैं, मुद्राक्ष विषाक्त, हमारा जो आंसर आपको यहाँ पे मिल ही गया क्योंकि सबने आंसर सही किया है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, हर्षचरित्र बाणभट्ट,
गोदावो वाक्पति, इसी तरह से फिर बहुत सारी और भी हैं जैसे अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी है, इन्होंने ये इसमें से कुछ जो है वो बायोग्राफिकल वर्क्स होते थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कुछ ने एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है, कुछ में उनकी बायोग्राफी होती थी, इवन कईयों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपका जो क्वेश्चन हमने बनाया है वो भी माखनलाल में ही है। तो यहाँ पे आपको ये देख रहे होंगे, आपको ये फॉन्ट साइज जो आपको मिल रहा है इटैलिक में, वहाँ पे जैसे ये है, फिर ये सब यहीं से लिए गए हैं। ये रहा आपका मुद्राक्ष है विशाखदत्त के द्वारा, फिर कालिदास का मालविका अग्निमित्रम। तो आप अगर एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ रहे हो और आपको यही क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, और आप कई बार आप एनसीईआरटी 3 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको ये भी पता चले कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये आपका जो सोर्स हम लोग इसीलिए साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि सोर्स से ही आपको पता चलेगा कि आंसर्स जो है, क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा वर्ड जो है वो आपका क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं, तो ये क्वेश्चन देखते हैं अब इस क्वेश्चन में कौन कौन, जिन्होंने भी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी उनको पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नहीं पता है किसी को आंसर तो हम तो हैं ही, आपको एक्सप्लेन भी करेंगे और बताएंगे भी। तो अकॉर्डिंग टू पुरानास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री। आपको ये बताना है कि पुराणस जो है उसमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर्स कौन से हैं, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं साल, मानवतंत्र, वंशानुचरित्र, ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। और आपको इन सब का आपको ऑप्शंस में जैसे दिए गए हैं 1, 2 और 3, यानी कि सर्ग, मानवतंत्र, वंशानुचरित्र। तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। देन आपका सेकंड ऑप्शन 2, 3 और 4, ठीक है, जिसमें उन्होंने सर्ग को एक्सक्लूड कर दिया है। देन आपका आंसर है 1, 2 और 4 एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। आपको ये बताना है कि पुराणास जो एक हिंदू माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं हिस्ट्री के, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर, देखो जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी है उनको आंसर पता होगा, और जिनको आंसर नहीं पता है उनको पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़नी है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के पढ़नी है। आंसर्स आना हमारे पास शुरू हो गए हैं। गजेंद्र जी का आंसर है सी, छाया, मिशा और राज गुप्ता और प्रियंका, जिनका सबका आंसर है डी। ओके, अभी तक एक आंसर जो गजेंद्र जी है उनका आंसर है सी, बाकी सबने डी आंसर किया हुआ है। ओके, डी, ये सत्यम, विश्वकर्मा और रावण जी हैं कोई जिन्होंने डी आंसर किया हुआ है। चलो देख लेते हैं हम आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन में। ओके, डी, सब डी ही आंसर कर रहे हैं। ओके, तो आपका आंसर है डी, ठीक है। तो आप ये देखो, हमने बोल्ड में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है इसका आंसर। ये रहे आपके सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट आपका आएगा सर्ग, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, प्रतिसर्ग, इन्वोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, मानवतंत्र, रेकरिंग ऑफ टाइम, वंशानुचरित्र। ये आपको सारा जो है वो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी आंसर कर रहे हैं तो सब ने बहुत अच्छे से, उनकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी है, क्योंकि सब आंसर कर रहे हैं और सही आंसर कर रहे हैं। तो अच्छा है, इसी तरह से अगर आप आंसर करते रहोगे तो आपको और भी, हम लोग धीरे धीरे आपका भी लेवल रेज करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और आपकी एनसीईआरटी जो है वो जल्दी से कंप्लीट भी होंगी। तो ये इसका जो आंसर आपने जैसे देख लिया होगा, सबका आंसर सबने दे भी दिया है, और आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है हम लोगों ने दे दी है, ठीक है, कि पुराणस में कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है हिस्ट्री के। और इसका जो सोर्स है
ये आपको माखनलाल चैप्टर नंबर थर्ड पेज नंबर 18। देखो आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो प्रॉपर हम लोगों ने एनसीईआरटी ही कवर की है, और आपके जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर हैं हमने उनको कवर किया हुआ है। ठीक है, आपका जो धीरे धीरे हम लोग प्रॉपर आपको जो पूरा शेड्यूल है वो आपको मिल ही गया होगा टेलीग्राम पे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। तो ये आपका सोर्स है, ठीक है, और ये सारे आपको मिल गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारे जो पुरान्स के लिखे हुए हैं सब्जेक्ट मैटर्स, ठीक है, ये यहाँ पे आप पेज नंबर 18 देखोगे माखनलाल चैप्टर थर्ड, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपको ये सारे जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो भी सोसाइटीज़ हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। आपको आंसर में बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस किसका है, मतलब जितनी भी सोसाइटीज जो है उनका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, आपको वही आंसर करना है। जैसे पहले आपको यहाँ पे तीन सोसाइटीज दी गई हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड देन बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। तीनों में जो चारों जो लास्ट आपका ऑप्शन है उसमें नन ऑफ द अबव है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कोई आंसर सही है, आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सही सीक्वेंस है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर नहीं है तो आपका आंसर डी नन ऑफ द अबव, और आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी जो सोसाइटी है वो पहले बनी है, द बंगाल में पहले बनी है, ग्रेट ब्रिटेन में, या फिर बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। आपको इसका आंसर करना है कि कौन सी सोसाइटी जो है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस में आपको आंसर करना है। तो आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, जैसे मिशा सी आंसर कर रही है, कृष्ण कुमार यादव सी। ओके, हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं सबने सी जो आंसर कर रहे हैं, यानी कि आपकी पहले जो है वो बंगाल सोसाइटी बनी है, देन बॉम्बे बनी है, देन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी है। कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं अभी आंसर। राजगुप्ता का कहना है कि डी यानी कि नन ऑफ द अबव किसी भी ऑप्शन में सही आंसर नहीं है उनके अकॉर्डिंगली। ओके, देखते हैं, फ्यूचर फोकस डी आंसर कर रहे हैं, प्रतीका गोपाल कृष्ण ने सी आंसर किया। ओके, और जो छाया है जिन्होंने अभी तक डिफरेंट आंसर किया है उनका आंसर है ए, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देन ग्रेट ब्रिटेन एंड देन बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी। चलो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। तो आपका जो सोल्यूशन है सी, यानी कि पहले बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, देन बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी एंड लास्ट में आपके जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब बंगाल और बिहार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए थे 1765 में, उन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने इनको डिकवर किया था, तो वो उनके लिए ये डिफ़िकल्ट था कि हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए। तो 1776 में उन्होंने जो हिंदू लॉ बुक थी मनुस्मृति उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, ताकि उनको जो हिंदू लॉज हैं उनको उनके लिए इजी हो जाए समझना कि हिंदू लॉज जो है वो किस तरह से डिफाइन होते हैं हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, ताकि उनके लिए इजी हो जाए। तो जो इनिशियल एफर्ट जो है वो आपको लार्जली 18th सेंचुरी तक वो पूरा जो एक उसका क्रक्स जो है वो आता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एस्टेब्लिशमेंट में, देन आपकी 1784 यानी कि ये सबसे पहले, देन आपकी सेकंड जो थी वो थी बॉम्बे बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी जिसका सेटअप आप देख सकते हो 1804 में है, देन आपकी लास्ट आती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो सेटअप हुई थी लंदन में 1823 में। ठीक है, तो ये इसका जो आपको मिलेगा आंसर वो आपको एशियट जो एंशंट इंडिया आर एस शर्मा है उसका चैप्टर नंबर सेकंड मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशंट इंडिया, और यहाँ पे ये देखो ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे आपको इवन फ्रंट पेज से ये क्वेश्चन बन गया है।
अब जब यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, तो क्वेश्चंस आप सारे एनसीईआरटी से ही बनेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप एनसीईआरटी करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये समझने में कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने आपके एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। अब निशा का ये क्वेश्चन ये है कि क्या रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा लेक्चर्स का, तो आपको ये सारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको वेबसाइट से भी इनका शेड्यूल पता चल जाएगा। आपके दो लेक्चर्स हो चुके हैं और आज आपका थर्ड लेक्चर था हिस्ट्री का, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल लेक्चर्स आपको मिल गया है। नेक्स्ट जो भी शेड्यूल रहेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के हमारे यही क्वेश्चंस थे, और आपको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर रहेगा हिस्ट्री का, उसके लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो ये है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो रहेगा प्री हिस्टोरिक टाइम्स चैप्टर, और हम लोगों का जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग ऐसा करेंगे कि जो भी प्री हिस्टोरिक टाइम्स के चैप्टर्स जो हैं वो हमने सारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपका जो क्लास 6th है उसका फर्स्ट 3 चैप्टर, देन रोमिला थापा जो ओल्ड एनसीईआरटी थी क्लास 6th की उसका फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11th ओल्ड एनसीईआरटी माखनलाल उसका 5th, 6th और 7th चैप्टर कवर होगा। आर एस शर्मा से ही आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी है 4th और 5th, जैसे आपने देखा कि फर्स्ट जो 3 चैप्टर है वो आज हमने कवर कर लिए, उसी तरह से माखनलाल के भी आज फर्स्ट 4 चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं, तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आ गए। और बाकी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स, देखिए कल्चर की आपकी एक बुक आती है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइन आर्ट्स न्यू एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर फर्स्ट भी हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आपको सारा जो डिटेल है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही कोई भी क्वेरी है, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको फ़ोन करके आप मैसेज करके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको हमने जो लेक्चर है उसका सिलेबस भी दे दिया और शेड्यूल भी आपको इवन टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। और थैंक यू आप सबका, क्योंकि आप जब आओगे क्वेश्चन आंसर करोगे तभी हम लोग भी बेटर आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, तो इसी तरह से आप नेक्स्ट लेक्चर जो है उनमें भी आते रहिए और आंसर करते रहिए। थैंक यू सो मच।